देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलती होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर लूप है, उसमें करंट है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, और अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स एक की जगह दो कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो जाएगा? टू टाइम्स हो जाएगा, और अगर एन टाइम्स कर दूं तो एन टाइम्स हो जाएगा। क्या ये रिजल्ट सबको क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक लॉन्ग वायर है, कैरीज अ करंट, ठीक है, लॉन्ग वायर कैरीज अ करंट, इट इज बेंट इन टू सर्कल और वन टर्न, तो कितने टर्न्स हो गए? वन टर्न। वन टर्न में सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी। मैंने भी बोला अगर एक टर्न है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी। इट इज देन बेंट इन टू अ सर्कुलर लूप ऑफ एन टर्न्स, अब मैंने उसके कितने टर्न्स बना दिए? एन टर्न्स बना दिए, तो बोलो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होगा? कितने टाइम्स? एन टाइम्स। लेकिन ये आंसर नहीं है, गलत है। आप कहोगे 2 मिनट पहले आपने लेक्चर की स्टार्टिंग यहीं से की कि अगर नंबर ऑफ लूप्स एन टाइम्स हैं तो फिर आंसर एन टाइम्स है, और जब क्वेश्चन में लगाते हैं आप बोलते हैं एन टाइम्स नहीं है। अब कहां पे फर्क पड़ रहा है इन दो स्टेटमेंट्स में, इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना। जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि अगर मान लो आपके पास एक लूप है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बी है, अगर एन लूप्स हैं तो रिजल्ट एन टाइम्स है, तो मैंने ये अज्यूम किया कि रेडियस की वैल्यू हर लूप की रिमेन्स सेम। लेकिन इस क्वेश्चन में वायर एल लेंथ की है, उसको ही पहले एक टर्न बना दिया, उसी के फिर एन टर्न्स बना दिए, जब उसी के एन टर्न्स बनाएंगे तो उसका रेडियस क्या होता जाएगा? छोटा। तो यहां पर वो रिजल्ट एन टाइम नहीं चलेगा। तो अगर तो रेडियस सेम रहेगा एन लूप्स का भी और एक लूप का भी, फिर तो रिजल्ट एन टाइम तो जाएगा, पर अगर रेडियस चेंज हो रहा है फिर रिजल्ट एन टाइम नहीं होगा। और यही उसने क्वेश्चन बनाया, वो क्या कि अगर आपके पास लेंथ एल है और उसने एक टर्न बनाया, एक टर्न बनाने का मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2πr, तो एल इज इक्वल टू 2πr, तो एक टर्न का रेडियस इसके इक्वल आया, तो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न का क्या होगा? म्यू नॉट बाय 4π, 2πi बाय r, और r की वैल्यू को क्या पुट किया? l डिवाइडेड बाय 2π। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब वो कहते हैं वही लेंथ लेनी है, लेंथ इंक्रीज नहीं करनी, तो वही लेंथ के साथ रेडियस कितना हो गया? r डैश, और नंबर ऑफ लूप्स कितने हो गए? n, तो रेडियस क्या हो गया? r डैश, तो n इंटू 2πr डैश, यहां से r डैश आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4π सर्कल की वजह से 2πi बाय r डैश इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने? n, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिकम n टाइम वाला रिजल्ट तो इसमें वैलिड रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न का तो ये है ही है, और क्योंकि आपने n लूप्स बना दिए तो n टाइम्स आएगा। अब इसके अंदर r डैश की वैल्यू ऊपर से उठा के नीचे पुट कर दी, ये n जब ऊपर n गया तो क्या बन गया? n का स्क्वायर। आप इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स आ गया? n स्क्वायर टाइम्स आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब फर्क समझ में आया? अगर किसी क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि मेरे पास एक लूप है जिसका रेडियस r है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैंने और लेंथ इन मेरे पास लेंथ की कोई कमी नहीं है, और मैंने फिर ऐसे 10 लूप्स लिए, रेडियस r रखा, यानी कि मैं और वायर लेके आया हूं कहीं से, तो मेरा रिजल्ट n टाइम्स हो जाएगा। पर अगर उसी वायर का एक लूप बना रहा है, उसी वायर के n लूप्स बना रहा है, तो रिजल्ट n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, और नॉर्मल एक आम स्टूडेंट जो नहीं पढ़ के जाएगा उसकी तो ये आम मिस्टेक है ही है, और उसने अटेम्प्ट करना ही करना है हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को, और ज़्यादातर बच्चों ने इसको एन टाइम्स कर देना है क्योंकि उसको तो एन टाइम्स सिखाया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंस समझ में आ रहा है, आंसर एन स्क्वायर क्यों होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है, ये एक मेंस वालों ने क्वेश्चन डाला, आप क्वेश्चन देखो क्या है। वो कहते हैं वायर कैरिंग अ करंट ऑफ आई इन द शेप ऑफ प्लेन कर्व, ये कर्व है, आई करंट है, वेयर आर इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब आर थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस यानी कि आर बड़ा है छोटा है वो एंगल पे डिपेंडेंट है, वेयर आर एंड थीटा बीइंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये मैथ्स वाले लोग जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट पोल इज इक्वल टू व्हाट। आप इस स्टेटमेंट से ना कुछ नहीं सीख पा रहे हो कि ये बोल क्या रहा है, एक्चुअल में आप इमेजिन नहीं कर पा रहे स्टेटमेंट को देखते कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, डायग्राम बना के नहीं दे रहा और कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स और ऑफ थीटा ऐसी कंफ्यूजन करे जा रहा है, तो क्वेश्चन से शायद ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आपको। आपको 4 ऑप्शन इकट्ठे देखने पड़ेंगे, तो 4 ऑप्शन साथ में देखें। जब आप 4 ऑप्शन देखते हैं तो देखा देखा लगता है म्यू नॉट बाय 4π आई थीटा बाय आर,
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई थीटा बाय आर स्क्वायर, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में कभी आता नहीं, आपको पता है, तो कम से कम ये ऑप्शन तो ना बोले, ये भी ऑप्शन ना बोले क्योंकि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर आना नहीं है। तो ज्यादा अगर एंगल थीटा बनाता है कोई आर, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई थीटा आई बाय आर। तो इसमें वो मान लो एंगल कितना बना रहा है, डी थीटा। मुझे कैसे पता लगा डी थीटा, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिख रहा है मुझे, डी थीटा, तो मैंने डी थीटा ले लिया। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, पर वो आपसे टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं रास्ते में क्या लगा रहा है, इंटीग्रेशन। तो जब आप इसे ये फॉर्मूला लिख के इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड में इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, तो आंसर आ गया। तो यानी कि आपको ऑप्शन देखते ही कहीं ना कहीं अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन से ना बनता ये क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। ऑप्शन दे के अंदाजा लग रहा है कि यहां से ये आंसर बनेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक। वैसे भी अगर सिर्फ ऑप्शन से भी देख लें, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ ऑब्वियसली जो थीटा बनेगा वो थीटा इंटू आई बाय आर का फॉर्मूला यहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये एक बहुत बार जब रिंग आती है ना, तो डिस्क पीछे पीछे आती है, तो आप सोच ही रहे होंगे कि सर ने रिंग तो करवा दिया, डिस्क पता नहीं कहाँ रह गई। नहीं सोच रहे तो फिर आप सोच लें कि जहाँ जहाँ जिन जिन चैप्टर में रिंग आई, पीछे डिस्क जरूर आई, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो, चाहे वो आपकी ये मैग्नेटिक इफेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। एक बार और आनी है डिस्क, तो आखिरी बार डिस्क होगी, चार बार आती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है, डिस्क है, डिस्क के ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है। अरे फीलिंग आ रही है इलेक्ट्रोस्टैट चल पड़ा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट्स है। अब करंट तो है नहीं इसमें, चार्ज क्यू है। अब वो क्या कह रहा है, रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो घूम रही है डिस्क। चार्ज जब घूमेगा ना तो करंट जनरेट होगा, चार्ज का घूमना मूव करना करंट जनरेट होना, करंट जनरेट होना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना। तो पूरे डिस्क के ऊपर जब चार्ज घूम रहा है, उसके सेंटर के ऊपर बी निकालना, ये क्वेश्चन है। पूरी की पूरी शीट एनसीईआरटी की नहीं, नॉट फाइनेंशियल एनसीईआरटी लिख लेना इसके ऊपर, ये ना आती है एनसीईआरटी में। ठीक, एनसीईआरटी बहुत बेसिक आता है, पर पॉइंट क्लियर है। पर कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें क्या करना है, डिस्क सुनते ही समझ में आता है डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी रिंग से। अब रिंग अगर घूम रही है, मैं आपको रिंग का करंट बता देता हूँ। रिंग के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला मैंने करवा रखा है, तो आप एक रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें भी, तो ऐसी सारी रिंग्स का मैग्नेटिक फील्ड मिला लें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो वही करेंगे इसमें। ये आपके सामने एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर क्यू चार्ज है। आप इसमें कोई भी आर्बिटरी रिंग ले लें, तो मैंने आर रेडियस की रिंग ले ली जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। तो मैं क्या करूँगा, इसे घुमाऊँगा, घूम रही है विद ओमेगा। तो इसमें इस केस में इसका चार्ज क्या होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था, इसका चार्ज सपोज क्या होगा, डी क्यू, और टोटल चार्ज कितना है, क्यू। डी क्यू क्या होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिस्क के ऊपर एरिया वाइज, तो चार्ज कितना है, क्यू, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू रिंग का एरिया कितना है, टू पाई आर इंटू डी आर। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो रिंग का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो ये वैल्यू आ गई, ये मेरे पास स्मॉल चार्ज आ गया। रिंग का करंट निकालते हैं, रिंग एक चक्कर घूमती है तो टाइम क्या लेती है, कैपिटल टी, तो चार्ज उसके ऊपर डी क्यू अपॉन कैपिटल टी क्या आ गया, रिंग का करंट आ गया। रिंग का चार्ज छोटा है तो करंट भी छोटा आएगा। तो इसके अंदर टाइम पीरियड तो गिवन नहीं है, हमें ओमेगा गिवन है। हम टाइम पीरियड को ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा। तो यहां से मेरे पास डी आई करंट आ गया रिंग का। क्या ये पॉइंट क्लियर है, रिंग का करंट आ गया। रिंग का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई डी आई, क्योंकि रिंग का करंट कितना है, डी आई, मैग्नेटिक फील्ड है डी बी अपॉन रेडियस रिंग का कितना है, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, रिंग का रेडियस है छोटा आर, तो छोटा आर। यहां से डी आई की वैल्यू ये पूरी की पूरी उठाओ, इस पूरी वैल्यू को यहां पुट करो, तो ये टर्म आ गई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, सॉल्व करके डी बी आ गया। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड किसका आया, रिंग का आ गया। तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस रिंग के मैग्नेटिक फील्ड में टी क्यू की जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी डी क्यू की वैल्यू है, इसको उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करके ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे पूरी डिस्क के लिए, जीरो से कैपिटल आर तक, क्योंकि डिस्क का रेडियस क्या है,
कैपिटल आर, तो जीरो से कैपिटल आर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये आंसर आ गया फॉर्मूले की लिस्ट में ना, इसे फॉर्मूला बना लें कि आज के बाद अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है ना और अगर घूम रही है डिस्क तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा डिस्क के ऊपर, ये जनरेट होगा म्यू नॉट बाई टू पाई क्यू ओमेगा बाई आर। नहीं बनाना तो फिर ये तैयार हो जाए अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये पूरे स्टेप्स आपको फिर करने भी पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मिले तो आप ये ऑप्शन ध्यान में रख लेना। तो आइडिया क्लियर है कैसे करना है, तो डिस्क से पहले रिंग का स्मॉल करंट, रिंग का स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, रिंग के मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट तो डिस्क का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। लॉजिक स्टेप्स यही रहेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो कहेगा एक रेगुलर पॉलीगन है, ये पॉलीगन है और जिसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ 2 पाई आर है, एन साइडेड पॉलीगन है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, एन है, मालूम नहीं कितनी साइड्स हैं, तो मैंने तभी इसे क्लोज ही नहीं किया, मैंने ओपन कर दिया कि ऐसे ऐसे करके एन साइड्स होती होंगी, इसमें करंट है, आपको सिर्फ इस पॉलीगन की साइड गिवन है ए, बस ये साइड गिवन है ए, आपको इसके सेंटर पे बी निकालना है, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्योंकि ये रेगुलर साइडेड पॉलीगन है और स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर का बी कैसे निकालते हैं, एक स्ट्रेट वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, फिर स्ट्रेट वायर के कोने लेते हैं, एंगल लेते हैं अल्फा और अल्फा, बराबर एंगल होगा इसमें बाइसिमेट्री, तो आपको एक्स मालूम नहीं है, अल्फा मालूम नहीं है, आपको सिर्फ ये मालूम है कि ये ए है तो ये ए बाई टू है। चलो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू, क्योंकि इस ट्राइंगल में टेन अल्फा क्या होगा, ए बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स, तो एक्स क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई टू टेन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कम से कम एक्स तो आ गया। ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे बी कितना लगाएगी, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डिवाइडेड बाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये स्टेप क्लियर है, ये रहा म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई एक्स साइन अल्फा साइन अल्फा, लेकिन ये तो एक साइड है, ऐसे कितनी साइड हैं पॉलीगन की, एन, तो सभी का रिजल्ट ऐड होता जाएगा, तो इसलिए फाइनल रिजल्ट कितने टाइम हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा, तो ये आपके पास बी की वैल्यू आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, अल्फा आपको पता नहीं है, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बता दी, वो एक्स की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पुट करेंगे आंसर आएगा, एक्स को तो पुट कर सकते हैं, साइन अल्फा बता देता हूँ कैसे आएगा, एक बात बताओ कि अगर ये पॉलीगन है तो पूरा सेंटर पे एंगल क्या बनाएगा, टू पाई, और ये एक एंगल, एक साइड एक एंगल क्या बनाएगी, टू पाई डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि इतनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं, तो ये एंगल क्या बनेगा, टू पाई बाई एन, इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो टू पाई बाई एन को किससे डिवाइड करना है, टू से, तो अल्फा आएगा, तो टू पाई बाई एन, टू पाई बाई एन को टू से डिवाइड किया तो क्या आ गया, अल्फा आ गया, क्लियर है यहाँ तक, तो अल्फा आ गया। तो एंड में आपने क्या करना है, इस अल्फा की वैल्यू को आप ये तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इस क्योंकि यहाँ पर तो मैं निकाल चुका हूँ, तो यहाँ से tan अल्फा को sin बाई cos करके sin इंटू sin, sin स्क्वायर, एंड में अल्फा अल्फा की जगह पाई बाई एन, पाई बाई एन एंगल पुट करके, ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको बुक में मिलेगा, आप ये ऑब्जेक्टिव मार्क करना, एनसीईआरटी में नहीं आएगा। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे, मैथ्स लगा कुछ भी नहीं, फिजिक्स तो है ही नहीं इसमें कुछ, इसमें तो मैथमेटिक्स लगा रही है, साइड्स निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसमें, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है, ठीक है।